हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगेन ऑन स्टडी हाई सो डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट लेक्चर नंबर टू ऑफ जियोग्राफी क्लास टेंथ तो प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर टू हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जियोग्राफी क्लास टेंथ का Uh, इसमें अभी तक हमने चैप्टर नंबर वन से डिस्कस किया था रिसोर्स क्या होता है क्लासिफिकेशन ठीक है इसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स में हमने पार्ट डी जो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स तो वहाँ तक हम पहुंच चुके थे तो वहीं से आज हम शुरू करेंगे ठीक है तो बने रहिए बेटा विदाउट लेट वी स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए So, last पर हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट पर हमने डिस्कस किया था कि लास्ट uh, पर हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट ठीक है तो वही से हम आगे चलेंगे कि डेवलप्ड रिसोर्स क्या होता है मीन द डेवलप्ड रिसोर्स ये डेवलप्ड रिसोर्स क्या होते हैं तो हमने कहा था रिसोर्सिस याद रखिएगा रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो सर्वे हो चुके हो जिनकी मैपिंग हो चुकी हो जो आ, अगर हम देखेंगे उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता है ठीक है डिटरमाइंड हो पता चल गई कि क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है और नाउ दे आर रेडी टू यूज और याद रखिएगा बट यहाँ पर जो कंसर्न है इट डिपेंड्स नाउ ऑन टेक्नोलॉजी आफ्टर मैपिंग ऑफ रिसोर्स आफ्टर सर्वे ऑफ रिसोर्स कि यहां पर डिपेंड रहेगा टेक्नोलॉजी पे क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि हम इस रिसोर्स को हासिल करें सो so दैट वाई बेटा अवेलेबल टेक्नोलॉजी यानी अब अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी होगी और फिजिबल होगी सो वी विल स्टार्ट तो हमने मिनरल है वॉटर फ्यूल्स है वाटर है ठीक है, है ये सारे डेवलप्ड है मगर या तो हमारे पास कभी कभार फाइनेंशियल क्राइसिस हम फाइनेंशियली मीट नहीं कर पाते या हमारे पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी होती है लिस्ट हमने कहा था डेवलप्ड रिसोर्स या डेवलपमेंट ऑफ िसोर्स ये हमें बेटा यहाँ से पता चलेगा अब हम याद रखेंगे सर्वे भी, भी हो चुका है ठीक है सब कुछ पता है बट मैटर करता है कि क्या हमारे पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिससे हमें रिसोर्स हासिल करे ऑलरेडी हमारे पास ये रिसोर्स मौजूद होते और हमें पता भी होती कि, कि किस तरीके के हमारे पास ये मौजूद है

रिसोर्स प्लानिंग व्हाट डज मीन बाय द रिसोर्स प्लानिंग रिसोर्स प्लानिंग का कॉन्सेप्ट क्या है व्हाट डज मीन बाय रिसोर्स प्लानिंग ये रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है रिमेंबर रिसोर्स प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है ज्यूडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स और हाउ वी आर यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज हम एक रिसोर्स को कैसे यूज करने जा रहे हैं हाउ वी बेसिकली क्वेश्चन पूछेगा हाउ वी आर गोइंग हाउ इज द रिसोर्स हम एक रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करेंगे कैसे उसको खर्च करेंगे दैट थिंग विल बी नोन एज द रिसोर्स प्लानिंग क्योंकि आप याद रखिएगा फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स है हमारे पास प्लान ही नहीं है कि हम कैसे रिसोर्स को यूज करेंगे हम कैसे किसी चीज को इस्तेमाल करेंगे तो हम कैसे उसे जुडिशली इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि लैक ऑफ रिसोर्स प्लानिंग ही वजह बनती है डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्स सो लेट वी कम जरा देखते हैं बेटा वहीं पर हमने कहा है कि मैं रिसोर्स को मैनेज करना उनको ओवर यूज से प्रिवेंट करना अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स को फ्यूचर के लिए पॉसिबल करना हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा मेन कंसर्न होता है रिसोर्स डेवलपमेंट में दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या व्हाट डज मीन बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द सेम सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है हां क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज विदाउट हार्मिंग अदर रिसोर्सेज यानी आप क्या कर रहे हो यू आर डेवलपिंग रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज विदाउट विदाउट हार्मिंग आप क्या कर रहे हो विदाउट हार्मिंग अदर रिसोर्सेज अदर रिसोर्सेज आप बाकी रिसोर्स को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो जब आप चाहते हो कि इक्वल डेवलपमेंट इन अदर वर्ड्स वी कैन से डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट जहां से बाकी रिसोर्स को बाकी पोर्शन को एनवायरमेंट को, को कोई नुकसान ना हो सो इक्विटेबल डेवलपमेंट इक्वल डेवलपमेंट बैलेंसड डेवलपमेंट कुड भी शबाइश रिसोर्स सस्टेनेबल

वक्त में आने वाले वक्त को आने वाले वक्त में फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्स रहे उसका कोई नुकसान ना हो हाँ इसमें क्या होगा जरा देखिए रिसोर्स प्लानिंग के मेन की स्टेप्स क्या है हाउ वी प्लान हाउ वी प्लान रिसोर्सेज इसमें सर्वेंग होती है हम देखते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स जिसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ठीक है फिर दूसरा क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स देखा जाता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है ठीक है टेक्नोलॉजी के बगैर हम देखते हैं कि किस तरह की टेक्नोलॉजी किस तरह की टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे कंजर्वेशन एक इंपॉर्टेंट चीज है जब हम देखेंगे प्रैक्टिस प्रैक्टिस लाइक रिसाइकलिंग अच्छा हमारा जो इंपॉर्ट होता है वाई वी प्लान रिसोर्स बिकॉज वी सी कि रिसाइकलिंग हमारे पास क्या मैथडोलॉजी रहेगी रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्स या रूज ऑफ रिसोर्स दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग जैसे एग्जाम्पल

समिट और एजेंडा ट्वेंटी वन रिमेंबर एजेंडा ट्वेंटी कब हुआ था नाइनटीन हंड्रेड था। टू में हुआ था जून 19, में एक समिट हुआ में, ठीक है? इस समिट का मकसद क्या था जो क्राइसिस थी जो ग्लोबल वार्मिंग थी ग्लोबल वार्मिंग क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए या उस पर कदगन लगाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी लेट वी सी हाँ ये कहा थी इन रियो ये कहाँ पे पड़ता है ब्राजील में 170 से ज्यादा कंट्रीज को यहाँ पर बुलाया गया था हेड स्टेट हेड्स को और मेन गोल क्या था हम एक बैलेंसड डेवलपमेंट कैसे अप्रोच करें हाउ टू अप्रोच असड इकोनॉमिक ग्रोथ क्योंकि देखिए हम इंडस्ट्रीज को बंद करते पॉसिबल नहीं था हम बाकी चीजें करते तो वो पॉसिबल नहीं था तो बच्चा possible क्या था पॉसिबल था एनवाटी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट था गरीबी को भी मद्देनजर रखना है हाडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी मद्देनजर रखना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हम इकोनॉमिक ग्रोथ को भी मद्देनजर रखेंगे हाँ यही मेन मकसद था अर्थ समिट का या रियोडिजिट पायनियरियो का एक ही मकसद था अर्थ समिट का एक मकसद था बैलेंस्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सो मेन आउटकम क्या हुआ यहां से बाजाबता एक प्लान बना एक पॉलिसी बनी कि हम कुछ ये की पॉइंट्स अप्लाई करेंगे कब करेंगे कि 92 के बाद हम पहले कंट्रीज को रेडी करेंगे 21 के लिए पॉलिसीज होगी दैट व्हाई द पॉलिसीज वर नोन एज एजेंडा 21 रिमेंबर एजेंडा 21 प्लान क्या था सस्टेनेबल डेवलपमेंट हां 27 प्रिंसिपल 27 प्रिंसिपल एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज ट्वेंटी सेवन प्रिंसि गाइडलाइन यहां से आई मेन था इंपॉर्टेंट मैटर यह भी था जितनी भी डेवलपड कंट्रीज है वो अन डेवलपड कंट्रीज को जितनी भी डेवलप्ड है वो डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करेगी फॉर द फॉर दर्बिंग द ग्लोबल वार्मिंग एंड जो क्राइसिस अभी चल रही है एनवायरमेंट रिलेटेड वहां पर काम करने के लिए डेवलपड कंट्रीज सारी सपोर्ट करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज को क्योंकि अगर हम एक प्रिस्पेक्टिव एक नरेटिव देखेंगे डेवलोपिंग कंट्रीज ने ही सबसे पहले दुनिया में हम देखेंगे ना ये गंध फैलाई ठीक किसके जरिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए हाँ अब वो आप बहुत आगे है मगर अब डेवलपिंग कंट्रीज उनकी वजह से ये सारा

फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट्स और आने वाले वक्त में क्लाइमेट चेंज पर जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे वो किस किस तरह के होंगे वो सारी पॉलिसीज यहाँ से सामने आई थी जून 1992 में ये समिट हुआ था ठीक है एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसे रियो डिजीनेरियो समिट नाइनटीन अर्थ समिट या एजेंडा ट्वेंटी के नाम से जाना जाता है सो चलिए नाउ लेट वी सी अब जरा बात आई है रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है वट इज रिसोर्स प्लानिंग अभी अभी हमने डिस्कस किया रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं हम बेटा देखते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स सबसे पहले रिसोर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि रिसोर्स किस जगह है किस तरीके का है उसकी क्वालिटी क्या है ठीक है फिर उसके बाद याद रखिएगा यानी इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है सबसे पहले मैंने अभी कहा आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स देखा जाता है हम हाँ, फिर उसकी उसको कॉपीज में जो इंस्टीट्यूशनल बुक्स है इंस्टीट्यूशनल बुक्स में उसे हम कॉपी करते हैं उसको उसके बाद क्या होता है अक्रॉस द रीजन पूरी कंट्री में देखा जाता है है, फिर उसमें सर्वे भी होती है मैपिंग होती है, होती है, है, इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी ठीक ये सारी चीजें देखी जाती है नाउ उसके बाद स्टेप टू आता है स्टेप टू में हम क्या करते हैं प्लानिंग स्ट्रक्चर को ध्यान से सुनिएगा प्लानिंग स्ट्रक्चर कि हम किस तरीके से रिसोर्स को हासिल करेंगे हाँ अप्रोप्रेट टेक्नोलॉजी देखेंगे हाँ हम स्किल्स कैसे जरूरत है इंस्टीट्यूशनल यानी किस कौन सी इंस्टीट्यूशनल मीनस गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन हमें सपोर्ट करेंगी इन 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 चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए और हमें एक बाबा तौर पर एक सस्टेनेबल गोल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी का यूज करते हैं इट इज स्टेप टू स्टेप थ्री में हम क्या करते हैं मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान अब ये मैचिंग द रिसोर्स प्लान का कॉन्सेप्ट क्या है क्या किया जाता है कि हम एक कंपैरिजन कंपेरिजन स्टडीज करते हैं कि क्या इससे पहले ये रिसोर्स प्लान कहीं पे अप्लाई हुआ था अगर हुआ था तो किस लेवल का हुआ था किस तरीके क्या हुआ था वहां पर क्या मिले थे उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे उसकी थी वो मैच करते क्या हम उन गाइडलाइंस पर पूरा उबर रहे हैं वो चीजें हम यहाँ से देखते हैं दैट डेवलपमेंटल प्लान को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हम चेक करते स्पेशली फ्रॉम द नेशनल परसपेक्टिव देन वी कम टू दिस पॉइंट नंबर थ्री दैट वाई बेटा उसे कहते हैं मैचिंग The in India, है. ये अभी देखा, in India. क्योंकि जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स दस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स टू प्लान द रिसोर्स जरा देखेंगे वहां पर, efforts, क्योंकि देखिए क्या जरूरत पड़ी इंडिया में रिसोर्स को क्या जरूरत पड़ी इंडिया में रिसोर्स को डेवलप करने की उसके पीछे रीजन है कॉलोनियलाइजेशन सबसे ज्यादा जो रिसोर्स डिस्क्रिमिनेशन हुआ जो रिसोर्स डिसएडवांटेज हुआ वो हुआ कॉलोनियल पीरियड में जब अनप्लानिसोर्स यूज किए गए यूटिलाइज किए गए माइनिंग से लेकर डिफॉरस्ट्रेशन तक ये सारी चीजें कॉलोनियल पीरियड में हुई तो उस चीज को अब उस उस नुकसान को हम एक साथ भरपाई तो उसकी नहीं कर सकते बट हाँ उस नुकसान को हम रिड्यूस कर सकते हैं वहां पर हम मिटिगेशन ले सकते हैं दैट नाउ वी वी हैव हैव टू टू प्लान प्लान द द रिसोर्स रिसोर्स हमारे पास जो है उनको हम प्लानिंग के तरीके से यूज करेंगे यूटिलाइज करेंगे वही चीज यहाँ पर कही गई है तो आजादी के बाद आजादी के बाद यू कैन सी कहा गया है रिसोर्स कैन कंट्रीब्यूट डेवलपमेंट ऑब्वियसली रिसोर्स से ही डेवलपमेंट होती है दे आर अंपनीड बाई अप्रोप्रेट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी uh, सारी मद्देनजर रखते हो ठीक है इंडिया हैजर्ट uh, ठीक है इंडिया हैजर्ट ट्यूसली एफर्ट्सली वर्क कर रहा है किस लिए प्लानिंग पर ठीक है और पहला फर्स्ट फाइव ईयर ईयर प्लान जो बना था आजादी के बाद एक पहला प्लान जो बना था जो पांच साल मंसूबा कहलाता है फाइव ईयर पॉलिसी जो बनी थी उसमें खास करके ध्यान रखा गया था कि हम देखेंगे कि इंडिया में स्पेशली रिसोर्स प्लानिंग पर ध्यान रखा जाएगा टू तो ओवरकम इरेशनल कंजप्शन देखिए मेन मैटर क्या था कि हम यूटिलाइज तो रिसोर्स कर रहे हैं हम इस तरीके से रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं कि वहां पर बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हम

करने के लिए जरूरी है कि वी हैव टू कंजर्व रिसोर्स और कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है रिसोर्स प्लानिंग चलिए जरा अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ दैट इज द लैंड रिसोर्सेज लैंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिसोर्स है लैंड पॉसिबल बनाता है हमारी बायोडाइवर्सिटी को लैंड हमारा क्रॉप्स को क्रॉप्स को उगाने के लिए इंपॉर्टेंट है लैंड रहने के लिए जरूरी है लैंड हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी है लैंड जिन पर बड़ी बड़ी सड़कें हैं लैंड जिस पर एफॉरेस्टेशन होती है लैंड जहाँ पर फॉरेस्ट है यानी लैंड के बगैर वी कैन नॉट थिंक अबाउट अमन सो वी कैन सी आप देख सकते हो लैंड क्या है नेचुरल रिसोर्स है सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो बाकी रिसोर्स को पॉसिबल बनाता है ये सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को यानी प्लांट लाइफ को फॉरेस्ट को ये सपोर्ट करता है वाइल्ड लाइफ को ये सपोर्ट करता है ह्यूमन लाइफ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एग्रीकल्चर को कम्युनिकेशन को हाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हाँ इंडिया हैज लैंड अंडर वराइटी इंडिया के पास टोटल लैंड थ्री पॉइंट टू एट मिलियन स्कैर किलोमीटर याद रखिएगा अब जो इस लैंड की हम बात करते हैं हम देखते हैं ये लैंड इंडिया में मुख्तलि रिलीफ में मुख्तलिफ लैंड स्ट्रक्चर में है अगर हम देखेंगे हमारे पास प्लेन फोर्टी थ्री परसेंट है हमारे पास माउंटेन जो है वो हमारे पास माउंटेन थर्टी परसेंट है प्लेटूज हमारे पास थर्टी परसेंट है सॉरी हमारे पास सॉरी हमारे पास बेटा जो प्लेन है वो फोर्ट 43%. प्लेस कितने हमारे पास प्लेन हमारे पास 43 परसेंट है यानी वो जमीन जिस पर एग्रीकल्चर और हम लोग रहते हैं वो हमारे पास 43 परसेंट है उसके बाद हम चलेंगे बात करेंगे बेटा माउंटेनस की माउंटेन्स दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कितने 30 परसेंट है और उसके बाद हम बात करेंगे प्लेट्यूज की ठीक प्लेट कितने हमारे पास ट्वेंटी यानी हमारे पास जो अपलैंड है जो मिनरल रिजर्व लैंड है वो कितने हैं ट्वेंटी इस हिसाब से टोटल इंडिया की लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी जैसे कहा गया लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स इन इंडिया नाउ लेट मी मूव चलिए जरा आगे चलते हैं लैंड यूटिलाइजेशन पे बात करते हैं ये ये लैंड कहां-कहां पे खारी छो रही है किस तरीके से लैंड यूटिलाइज हो रही है इंडिया में सबसे ज़्यादा लैंड इंडिया में फॉरेस्ट पर है बट यहाँ पर हमें एक कंसर्न जानना होगा 1952 में जो फर्स्ट जो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी उसके मुताबिक कहा गया था कि इंडिया की टोटल लैंड का 33% परसेंट क्या होना चाहिए इंडिया की टोटल लैंड का 33% परसेंट फॉरेस्ट होना चाहिए जिसे नाम दिया गया डिज़ायर्ड फॉरेस्ट रिमेंबर क्या नाम दिया गया था डिज़ायर्ड फॉरेस्ट परचुनेटली नहीं हो सका ठीक है अभी इंडिया के पास फॉरेस्ट कितना है ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू परसेंट ठीक है जो सबसे ज्यादा ट्वेंटी टू परसेंट इंडिया के पास क्या है फॉरेस्ट है अच्छा फिर आप देखिए बारेन लैंड और वेस्ट लैंड है लैंड उसके बगैर नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए है फॉलो लैंड में जैसे अनकल्टिवेटेड लैंड उसके बगैर आप देखोगे नेट सोन एरिया यानी जिस पर फसलें उगती है ग्रॉस क्रॉपड एरिया भी इसमें आता है और भी हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीकों से लैंड को यूटिलाइज किया गया है ठीक है इसमें जब आप देखोगे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ इन इंडिया में लैंड कैसे यूज की जाती है लैंड यूज पैटर्न इंडिया का क्या है जरा देखिए अगर हम पहले देखेंगे कि इंडिया के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंडिया के पास टोटल लैंड कितनी है थ्री पॉइंट टू एट मिलियन जो हमने अभी कहा इंडिया के पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड है ठीक उसमें से हम देखेंगे उसका हमारे पास खाली 93% थ्री परसेंट जियोग्राफिकल एरिया का हमारे पास क्या है जब हम लैंड यूज डेटा देखेंगे तो खाली 93% परसेंट लैंड का ही हमारे पास रिकॉर्ड है और हम जब देखेंगे रिपोर्टिंग एरिया इसमें स्पेशली ये देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट आसाम और जम्मू कश्मीर के कुछ एरियाज के लैंड का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है रिमेंबर दिस थिंग और जब हम देखते हैं जैसे हमने अभी कहा क्योंकि पाकिस्तान चाइना के पास या कुछ ऐसे एरियाज है जो बड़े ही मतलब जहां जहां सिक्योरिटी रीजन से हम नहीं पहुंच पाते इसलिए हमारे पास उस एरिया का रिकॉर्ड नहीं है तो यहां पर इसके बगैर सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिजिकल फैक्टर टोपोग्राफिक क्लाइमेट और सॉइल भी एक रीजन है जिसकी वजह से लैंड लैंड यूज पैटर्न में डिफ्रेंस है अगर आप चेक करोगे जो पंजाब वाला एरिया हमारा है पंजाब और हरियाणा पंजाब एंड हरियाणा में हम अपनी लैंड का 80% क्या कर रहे हैं हम एग्रीकल्चर के लिए यूज करें वहीं पर अगर हम नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स देखेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कितना है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हम खाली 10 से 20% एरिया ही यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ड्यू टू क्लाइम ड्यू टू वॉट ड्यू टू टोपोग्राफी क्योंकि वहाँ पर वैसे ये सारा पॉसिबल है ड्यू टू टोपोग्राफी कुछ एरियाज में बहुत ठंड है कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा बारिशें पड़ती है इस वजह से वहाँ पर लैंड यूटिलाइज uh, नहीं हो पा रहा है ठीक सो देयर आर दैट वाई देयर इज अज डिफरेंस बिटवीन देयर इज अज डिफरेंस किस लैंड यूज पैटर्न में इंडिया में यानी इंडिया में जब हम देखेंगे तो लैंड को यूटिलाइज करने में लैंड यूज पैटर्न में डिफरेंसिस है

ठीक है ऐसे ही कंसर्न अलग अलग जगहों पर है दैट वाई देयर इज डिफरेंस बिटवीन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया नाउ लेट वी सी देखिए हमारे पास जो जो हमारे पास सर्वे है ये जर्नल लैंड यूज कैटेगरीज है 1960 61 से कि नेट सोन एरिया भी नहीं बढ़ा है उसके पीछे रीजन है और ये हमारे पास जर्नल लैंड यूज 2014 15 की सर्वे है ठीक है यू कैन सी एक बड़ा डिफरेंस है 19 हम बात करेंगे पहले 1960 61 का जो हमारे पास सर्वे है फॉरेस्ट एरियाज ये देखिए ये फॉरेस्ट एरियाज था 18.11% बैरन लैंड था अनकल्टिवेटेड और वेस्ट लैंड कितना हमारे पास है और परसेंट। उसी के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो अगर हम 2014 15 में हम देखेंगे कि फॉरेस्ट लैंड बढ़ा है और 23.3 परसेंट फॉरेस्ट लैंड है फॉलो लैंड हमारे पास करंट फॉलो लैंड और नेट सोन एरिया नेट सोन एरिया इम्पोर्टेंट है नेट सोन एरिया कितना है रिमेंबर नेट सोन एरिया 45.5 परसेंट और वहीं पर अगर हम देखेंगे की सर्वे तो वहां पर जो हमारे पास नेट सोन एरिया है ठीक है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़ेस वो आप चेक कर सकते हैं एरियां पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स ठीक है ये एक वाजहिया डिफरेंस है ठीक देर इज अ क्लियर डिफरेंसेस बिटवीन द लैंड यूज़ पैटर्न लैंडीन सिक्सटी 61 2014-15 हाँ एक बड़ा कंसर्न है कि लैंड यू लैंड नेट सोन एरिया नहीं बढ़ा है उसके पीछे रीजन है उसके पीछे रीजन लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है ठीक है माइनिंग एक बड़ा रीजन है ओके देयर आर नंबर ऑफ रीजन व्हाई नेट सोन एरिया हैज नॉट इंक्रीज सिंस 19 सिंस 1961 ओके लेट वी सी तो अब बात है लैंड डिग्रेडेशन की लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स लैंड डिग्रेडेशन क्या है लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है जब जब लैंड जब जमीन वो अपनी कैपेसिटी अपनी कैपेबिलिटी खो देती है ठीक है व्हेन लैंड बिकम्स लेस कैपेबल टू प्रोड्यूस क्रॉप्स ओके जरा देखिए और इसके पीछे रीजन क्या है एक्टिविटी जैसे डिफोरेस्ट्रेशन ओवरग्रेजिंग माइनिंग क्वारिंग ठीक है ये सबसे बड़े रीजन है ओवरग्रेजिंग बड़ा एक रीजन है जो जो लैंड को डेजर्टिफिकेशन में तब्दील करने में कोई कसर

मैनेजमेंट नहीं है ठीक ये भी एक बड़ा रीजन बना है और बहुत सारी चीजें बहुत इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एक बड़ा रीजन है पॉलिथीन का यूज एक बहुत बड़ा रीजन है ठीक है जो लैंड को क्या बना रहा है जो लैंड को बिल्कुल हम कहेंगे कि लैंड को अनकल्टिवेबल या लैंड लैंड कि जो कैपेसिटी है लैंड को डिग्रेड बनाने में कोई कसर पैदा पीछे नहीं छोड़ रहा है लैंड जब डिग्रेड होगी तो फूड क्राइसिस आएगी याद रखिएगा जब लैंड डिग्रेड होगा तो तो क्रॉप्स में कमी आएगी क्रॉप्स में कमी आएगी तो क्रॉप्स महंगे हो जाएंगे क्रॉप्स महंगे हो गए तो ह्यूमन डायरेक्टली इफेक्ट होगा याद रखिएगा नेट सोन एरिया ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा यूज ऑफ केमिकल्स यूज ऑफ पेस्टिसाइड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाईजर दीज आर बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रही है ठीक है दे आर सम मेजर रीजन ठीक है चलिए नाउ How can we control? How can we conserve? How can we conserve land from degradation? These are some major subsequently. Some of the ways through which we can solve the problem of land degradation wo kya, kya hai? Sabse pehle, afforestation. और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग ठीक है हम बार बार जानवरों को एक ही जगह एक ही पास्चर पे छोड़ रहे हैं और वहां से वो क्या कर रहे हैं वो ओवरग्रेस कर रहे हैं वो पाव, वो उस पौधे की क्या निकाल रहे हैं वहां के रूट्स तक बाहर निकाल रहे हैं और फिर जब बारिश वगैरह होती है तो वहां से क्या हो रहा है वहां से हम देखते हैं वहां इरोजन एरो, हो रहा है हाँ वो चीज नहीं होनी चाहिए लैंड स्लाइड होती है वो भी एक बड़ा रीजन है लैंड डिग्रेडेशन के पीछे अगर हम लैंड स्लाइड्स को रोकेंगे उनका प्रॉपर मैनेजमेंट so we can save the land from degradation a forestation pump uh, especially पेड़ लगाना एक एक हमारे पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा और ग्रेजिंग को मैनेज करना शेल्टर बेल्ट ठीक है शेल्टर बेल्ट ऐसे जो विंडस को रोकेगा विन्डस को, विन्डस को स्टेबल करेगा स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यूनसून को सैंड डूनिस में हम बशिस को उगाएंगे उससे क्या होगा स्टेबलाइजेशन आएगी उससे भी हम लैंड को डिग्रेड होने से बचाएंगे प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट अगर हमने वेस्ट लैंड को प्रॉपरली मैनेज किया वी कैन वी कैन कंजर्व द लैंड फ्रॉम डिग्रेडेशन कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज हाँ कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज जिस तरीके से माइनिंग लैंड को डिग्रेड कर रही है उस हिसाब से तो आने आने वाले वक्त में बड़े हालात खराब होने वाले हैं अगर हम माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में कामयाब हो गए कैन कम टू सेव द लैंड के ना प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एफिलेंट इंडस्ट्रियल एफिलेंट एक बड़ा रीजन है याद रखिएगा इंडस्ट्रियल एफुलेंट इंडस्ट्री से निकलने वाला जो कूड़ा करकट है उसे हमें कंट्रोल करना होगा वेस्ट को वेस्ट का सही ट्रीटमेंट करना होगा वेस्ट मैनेजमेंट हमारे पास राइट वेस्ट मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम पन, जिनकी वजह से हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन से हाँ लैंड को हम डिग्रेड होने से बचा सकते हैं ठीक है तो चलिए तो यहाँ तक लैंड एंड रिसोर्स आज कंप्लीट हुआ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस एज अ रिसोर्स ठीक है तब तक के लिए खुदा खुदाफिया मान्ला